सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे बद्धानि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सबका स्वागत है संस्कृत व्याकरण की संधि की कक्षा में। जैसा कि आप सबको विदित है कि पूर्व कक्षा में हमने यहाँ संधि की परिचयात्मक कक्षा ली। आज हम संधि के भेदों के सहित प्रथम भेद का ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कल संधि के तीन भेद अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि का हमने ज्ञान प्राप्त किया। संधि के अंतर्गत जो प्रथम भेद है वो है अच संधि। अब अच संधि में जो अच शब्द है वो भी एक प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में सभी स्वर सम्मिलित है, अ ई उ रि ऋ ए आई ओ औ, इसलिए इसे अच प्रत्याहार कहते हैं, क्योंकि इसमें अ से लेकर के च पर्यंत सभी वर्णों का समावेश होता है, इसमें सभी स्वर आते हैं, इसलिए इसे स्वर संधि भी कहते हैं। स्वर संधि के बहुत से भेद हैं, उन भेदों में आज हम उसका प्रथम भेद य संधि कर रहे हैं। यह संधि का सूत्र है इको यणची, अष्टाध्यायी में इसका सूत्र हमें प्राप्त होता है इको यणची। इको यणची में तीन शब्द आते हैं, एक यण और अच, ये तीनों ही प्रत्याहार है। एक प्रत्याहार में ई ओ री ली, ये चार शब्द आते हैं। यण भी एक प्रत्याहार है, इसमें य व र ल ये एक ये शब्द आते हैं, और अच भी प्रत्याहार है, इसमें अ ई उ रि ल रि ए ऐ ओ औ ये शब्द आते हैं। तो इको यणची इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि इकः स्थाने यर स्यादचि संहितायां विषये शुद्ध्युपास्य इति जाते, अर्थात कि यदि पूर्व पद के अंत में इक होता है तथा उत्तर पद के प्रारंभ में अगर अच होता है तो उस पूर्व पद के अंत में आए हुए इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। इसी बात को हमने इस फार्मूले के आधार पर सूत्र में निबद्ध कर दिया है। यह सूत्र आपको किसी भी गाइड में, किसी भी पुस्तक में कहीं उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप यण संधि को आसानी से हल कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इसका सूत्र है, आप याद कर लीजिए, एक बटा यण प्लस अच। अच भी कैसा? असमान अच। अर्थात यदि पूर्व पद के अंत में एक अर्थात ई ओ रिल री इन चार वर्णों में से कोई भी अगर एक वर्ण आ जाता है तथा उत्तर पद के प्रारंभ में अगर असमान अच आ जाता है, अर्थात जो पूर्व पद के अंत में स्वर आया है वैसा स्वर उत्तर पद के प्रारंभ में नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहां पर लिखा है असमान अच, अर्थात असवर्ण अच। तो अगर पूर्व पद के अंत में ई ओ रिल री इन चार वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आ जाएगा और उत्तर पद के प्रारंभ में अगर स्वर आ जाएंगे तब वहां एक वर्ण के शब्दों के ऊपर अर्थात ई ओ रिल री इन वर्णों के ऊपर यण प्रत्याहार आदेश हो जाएगा, अर्थात य व र ल ये आदेश हो जाएंगे। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यण संधि में हमेशा ई के स्थान पर य होगा, उ के स्थान पर व होगा, री के स्थान पर र होगा और नरी के स्थान पर ल होगा। इसे हम निम्न सूत्र के माध्यम से एक एग्जाम्पल के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है प्रति प्लस एक, यहां पूर्व पद में प्रति शब्द है और उत्तर पद में एक शब्द है। यहां हम देख रहे हैं कि जब हम प्रति शब्द को टुकड़े करेंगे तो प्रति में से ई निकालेंगे तो प्रता ई, तो हम देख रहे हैं कि पूर्व पद के अंत में एक प्रत्याहार का वर्ण ई आ गया है और चूंकि यहां उत्तर पद के प्रारंभ का वर्ण ए है
जो कि पंच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो इस सूत्र के आधार पर कि अगर पूर्व पद के अंत में एक में से कोई भी एक वर्ण हो और उत्तर पद के प्रारंभ में अगर एच आ जाता है तो हम वहां एक के स्थान पर यह आदेश कर देते हैं। उसी नियम के आधार पर हम यहां पूर्ण पद के अंत में आए हुए ई के स्थान पर यह आदेश कर देंगे, क्योंकि हमने यहां पर आप देख सकते हैं कि फरोला बदो बना हुआ है। इसके आधार पर आप यहां पर गौर करिए कि ई के स्थान पर हमेशा यह ही होगा, ऊ के स्थान पर हमेशा वह ही होगा, री के स्थान पर हमेशा र ही होगा और नरी के स्थान पर हमेशा ल ही होगा। तो यहां ई आया हुआ है तो हमने यहां पर आप देख सकते हैं यह कर दिया है। अब चूंकि यहां पर उत्तर पद के प्रारंभ में ए है जो कि अच है असमान है, इसलिए हम यहां इस ए को जो कि उत्तर पद के प्रारंभ में आया हुआ है इसको पूर्व पद में आए हुए य में मिला देंगे और मिलाते ही ये शब्द बन जाता है प्रत्येक। इसलिए हम देख सकते हैं कि इसी फॉर्मूले के आधार पर आप इन सभी एग्जाम्पल को घर बैठे आराम से हल कर सकते हैं। आप करके देखिए, ही प्लस आयम, तू प्लस इदम, नरी प्लस आत्मज, नरी प्लस अनुबंध, इति प्लस आदय, तनु प्लस अंगी, मातृ प्लस अंक और नरी प्लस आकार। इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर, इसी नियम के आधार पर आप किसी भी प्रकार के यन संधि से संबंधित शब्दों को सिद्ध कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह बहुत ही अधिक पसंद आएगा और आप बहुत ही सरलता से यन संधि को आसानी से समझ सकेंगे। धन्यवाद।